दूसरों की मदद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक बार एक ऋषि मुनि के आश्रम में बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण किया करते थे। कितने लोग गुरुकुल को जानते हैं? गुरुकुल। तो गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और गुरुकुल का एक नियम होता है, वहां पर एनुअल के हिसाब से आगे नहीं बढ़ते कि हर साल एक एक क्लास आगे बढ़ते जाएंगे, हर व्यक्ति की योग्यता और कुशलता के हिसाब से उसको आगे बढ़ा देते हैं। मतलब अगर आप तलवारबाजी करते हैं और तलवारबाजी करने में निपुण हो जाए तो आपको अगली योग्यता के लिए पास कर दिया जाता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकल होता है। और वैसे भी हमारे देश में पहले गुरुकुल प्रशिक्षण प्रणाली चलती थी। जब से मॉडर्न एजुकेशन आया तब से हर व्यक्ति के जीवन के 12 साल पहली से 12वीं तक लगा दिए, 3 साल ग्रेजुएशन के लगा दिए, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के लगा दिए। मतलब 12 और 3 15 और 2 17 साल में आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, या 15 साल में आप ग्रेजुएट होते हैं। पहले ऐसा नहीं था। जिस व्यक्ति की जैसी काबिलियत है, आज बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, वो 6 महीने में कोर्स करके आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास के लायक हैं। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग चला, ताकि हमारे देश में लोगों को मजदूर बनाया जाए, लोगों को इंप्लॉयज बनाया जाए, अच्छे एम्प्लॉयर ना बनाए जाए, अच्छी बिजनेस टेंडेंसी के लोग ना बनाए जाए, इस चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू किया। ठीक उस तरह से एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे, और उन शिष्यों ने बहुत अच्छे से अपनी शिक्षा को ग्रहण किया, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु ने कहा कि आप सबकी शिक्षा पूरी हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे क्लास में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा सबसे ज्यादा महारथी होगा, तो एक काम करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, और उस टेस्ट में आपको अलग अलग तरह के पड़ाव पार करने होंगे। एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में डिफरेंट 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 पड़ाव बने हुए हैं, और आपको एक एक करके सारे पड़ाव पार करने हैं। और उस पड़ाव में एक पड़ाव आएगा जहां पर बहुत सारा मिट्टी होगा, कीचड़ होगा एक तरह से, उसको पार करना है। फिर एक जगह खेत होंगे, उसको पार करना है। फिर एक जगह पहाड़ी होगी, उसको पार करना है। एक जगह पथरीली भूमि होगी, उसको पार करना है। कहीं रेतीली भूमि होगी, उसको पार करना है। फिर एक सुरंग होगी, उसको पार करना है। और जो सुरंग पार करके सबसे पहले यहां पर आएगा, उस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा होता है ना, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वही फर्स्ट आता है, यस और नो? तो जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्क्स लेकर आएगा, सबसे पहले आएगा, उसको विजय घोषित किया जाएगा। और गुरुजी ने 1 2 3, और जैसे गुरुजी ने कहा 3, सारे बच्चे भागना शुरू हो गए। भागते गए, सारे पड़ाव पार करते हुए, कोई आसानी से, कोई मुश्किल से, कोई परेशानी से, कोई थक के, कोई चूर होके, कोई परेशान होके, और बाद में सारे बच्चे आके एक स्थान पर गुफा से निकलकर खड़े हो गए। अब गुरुजी ने कहा कि अब वो समय आ गया जिस व्यक्ति ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। हर एक व्यक्ति अपना अनुभव बताएं, कहां कहां पर उनको आसानी हुई, कहां कहां मुश्किल हुई। तो एक विद्यार्थी बोला कि गुरुजी मुझे तो बड़ी आसानी हुई, रेते पर चलने में बड़ा मजा आया। किसी ने कहा मुझे खेत में चलने में मजा आया, किसी ने कहा मुझे पहाड़ी पर चढ़ने में मजा आया, किसी ने कहा पहाड़ी से उतरने में मजा आया, किसी ने कहा तैरने में मजा आया, किसी ने कहा रास्ते में पेड़ों पर चढ़ने में मजा आया, मैंने फल खाए। तो एक बच्चा बड़ा शांत खड़ा हुआ था, और जब रिजल्ट पूछा कि भाई जब सब तुम आए हो, किस किस को क्या क्या अच्छा लगा, तो एक बच्चा जो उनमें से थोड़ा पीछे रह गया था, गुरुजी ने कहा कि भाई तुम बड़े सैड दिखाई दे रहे। अच्छा, पूछा कि जो सुरंग थी उसमें किस किस को मजा आया, तो कुछ बच्चे आगे थे, उन्होंने कहा हमें तो बिल्कुल मजा नहीं आया, सुरंग में तो कांटे और कंकड़ थे और बहुत गुप्त अंधेरा था, बहुत गुप्त अंधेरा था। तो कांटे तो हमारे पैरों में चुभ के हमारे साथ में आ गए, अभी भी चुभे हुए हैं, लेकिन वहां बड़े सारे कंकड़ थे। फिर कुछ लोगों ने बोला वहां तो एक भी कंकड़ नहीं था, तुम्हें कंकड़ कहे चुभ गए, फिर कांटे भी नहीं थे। वो बोले कांटे तो हम लेके आ गए अपने पैरों में, तो बोले कंकड़, फिर हमें तो एक भी नहीं चुभा। फिर एक बच्चा हाथ खड़ा करता है, गुरुजी मैं एक बात कहना चाहता हूं, वैसे तो मैं प्रथम आ सकता था, लेकिन मैं सारे दोस्तों को देखता रहा, वो भी दौड़ रहे थे, मैं भी दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते मैं उन सबसे आगे निकल गया, और आगे निकला तो देखा मुझसे भी आगे कुछ और विद्यार्थी हैं, वो सुरंग में घुस गए। लेकिन जब मैं सुरंग में घुसा तो वहां पर बहुत सारे कंकड़ थे, तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो ये कंकड़ मेरे किसी मित्र के चुभ जाए, क्योंकि ये सारे हैं तो वही लोग जो मेरे साथ पढ़ा करते थे। और उसने अपनी झोली खोली और सारे कंकड़ वहां से इकट्ठा कर लिए। इसे गुरुजी मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं सबसे पहले नहीं आ पाया। तो गुरुजी कहते हैं कि इस पूरे के पूरे विद्यार्थी गणों में से आज का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी जो हम घोषित कर रहे हैं, वो ये व्यक्ति है जो वहां पर कंकड़ चुभ रहा था, जिसके कंकड़ चुभ रहे थे, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन फिर वो बच्चा कहते, बाकी लोग कहते हैं अगर गुरुजी सर्वश्रेष्ठ है तो उसको इनाम दिया जाए। तो उसने कहा इससे बोलो कि अपनी झोली खोल के देखे। जैसी वह झोली खोल के देखता है, उसमें हीरे, जवाहरात, मोती, पन्ना,
पुखराज सारे भरे होते हैं और ये कहते हैं तुम्हारा रिवॉर्ड है, इसे लेकर तुम जीवन में आगे जाओ, तुम्हें हर वो सफलता हासिल होगी जिस सफलता को तुम पाना चाहते हो। दोस्तों बहुत सारे लोग, ये तो बात रही, मैं बात कर रहा हूं गुरुकुल के समय की, आज के समय में भी बहुत सारे लोगों ने दूसरों की मदद की, लोगों की परेशानियों को हल किया और हल करने के बाद उन्हीं लोगों ने उस कंपनी को हजारों करोड़ की कंपनी तक पहुंचा दिया। मैं उदाहरण के माध्यम से बताता हूं, क्या आज से कुछ वर्ष पहले होटल्स नहीं थे? होटल्स थे, यस और नो? रूम्स थे, यस और नो? होटल भी थे, रूम भी थे, लेने वाले भी थे, देने वाले भी थे, प्राइस भी था, उनकी वेबसाइट भी थी। लेकिन एक व्यक्ति ने बेड़ा उठाया कि मैं सभी होटल्स को एक जगह लाके इकट्ठा कर दूंगा और कॉम्पिटिटिव रेट लाऊंगा ताकि कंज्यूमर को फायदा हो। जब आप होटल बुक करते हैं तो होटल में कैटेगरी के साथ प्राइस भी कंपेयर करते हैं, और जब प्राइस कंपेयर, क्वालिटी कंपेयर, सर्विसेज कंपेयर करते हैं, जो सबसे बेस्ट लगता है उसे आप बुक करते हैं और सिंगल क्लिक में बुक होता है। जैसे ही बुक होता है तो आपने लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया। जो फाइव स्टार होटल्स एक कॉम्पिटेटिव प्राइस नहीं, एक हाई क्वालिटी प्राइस देते थे, उनके प्राइजेस भी नीचे आ गए और उस जनता ने उस व्यक्ति को उठाकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। और वो कंपनी है देखिए, मैंने उदाहरण में नाम तो नहीं बताया ना, आप लोगों ने बताया। मतलब यदि आप दूसरे लोगों की मदद करना शुरू करें तो दूसरे लोगों की मदद करने में भी आप व्यापार की बहुत बड़ी अपार संभावनाएं खड़ी कर सकते हैं। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो वो दूसरे मिलकर कलेक्टिव रूप से आपको बहुत अधिक शिखर तक ले जाएंगे। ये बात केवल होटल रूम पर लागू नहीं होती, टैक्सी पहले भी थी और टैक्सी के रेट मनमाने थे। टैक्सी को किसी समय कहा था टैक्सी इज अ लग्जरी। आज नहीं, आज बोलिस नहीं रहे, लग्जरी तो है ही नहीं। अभी बुक करो ओला आ जाएगी, और बुक करो ओला की सेडान कार आ जाएगी, प्रीमियम कार आ जाएगी, छोटी कार आ जाएगी, और बहुत ज्यादा करो तो शेयरिंग आ जाएगी, मतलब बस के टिकट से भी सस्ती। तो किसी व्यक्ति ने दूसरों की मदद करने का एक बीड़ा उठाया कि क्यों ना मैं दूसरे लोगों की मदद करूं, ऐसी सर्विस लेके आऊं कि आज की लग्जरी कल की नेसेसिटी बन जाए, आज की लग्जरी कल की। और जो लोग इस सिद्धांत पर काम करते हैं वो लोग नए बिजनेस के आयाम क्रिएट करते हैं।